फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के एक ऐसे कमाल के ट्रिक के बारे में बताना जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आपके फोन के इंटरनेट की MB जल्दी खत्म नहीं होगी। क्या दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल के इंटरनेट के MB से परेशान थे? आपको डेली का 1 GB मिलता है। जैसे कि आप अगर जियो का कोई भी रिचार्ज मारते हो, कोई भी फोन का रिचार्ज मारते हो, तो यहाँ के अक्सर हर फोन का प्लान यही होता है कि डेली का 1 GB या 1.50 GB डाटा मिलता है और अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह जो भी रहता है मिलता है। तो यहाँ पे 1 GB जो आपको डाटा मिलता है, आप ज्यादा यूज नहीं करते हो, थोड़ा सा यूट्यूब चलाते हो या टिकटॉक वगैरह यूज करते हो या पबजी खेलते हो, और यहाँ पे आपके क्या होती है, पूरी की पूरी MB फटाफट खत्म हो जाती है और आपको शौक लग जाता है कि यहाँ पे मैंने तो ज्यादा MB यूज नहीं की, फिर भी मेरी MB जल्दी खत्म कैसे हो गई। तो यही आज मैं बताने वाला हूँ कि आपकी MB जल्दी खत्म क्यों हो जाती है, इसकी भी एक रीजन है। वो कौन सी रीजन है, अगर आप लोगों को जानना है और अपने MB को बचाना है बिना यूज किए खत्म होने से, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम कर देना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। तो फिर अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन करके दबा देना है, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सको। और इस वीडियो को ना एक लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में ना कमेंट कर देना जो भी आपको अच्छा लगे, पावरफुल बैटरी सेटिंग, यहाँ पे आपको जो भी कमेंट करना है ना आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को छोटी सी एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। जब इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लोगे अपने फोन में, इसे ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कैसा इंटरफेस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ओपन किया तो इस तरह से इंटरफेस नजर आ रहा है। तो आपको करना है कि आप सोचोगे कि इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे आप एक तरह से आपको डाटा सेवर का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब एप्लीकेशन सिर्फ डाटा सेव करने के लिए बनी हुई है। तो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता है, मतलब प्ले स्टोर पर है, मतलब आप समझ सकते हो कि पूरी तरह से सिक्योर है, इसका कुछ आपको इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये काम ही करेगी, अगर काम नहीं भी करती तो इसका कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना, मैनेज डाटा पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैनेज डाटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाटा सेवर का ऑप्शन, इस पे क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपकी जितनी भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन वगैरह चलती है जो कि आपके फोन के डाटा बिना विदाउट यहाँ पे यूज किए खाती रहती है, वो सारी की सारी एप्लीकेशन क्या होगी, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे आपको क्या होता है कि यहाँ पे जो आप मतलब सारी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, यहाँ पे दोस्तों मोबाइल डाटा यूज्ड, यहाँ पे आप इसी तरह से मतलब तो क्या होगी कि बंद हो जाएगी। तो और इससे आपका जो आप यूज करोगे ना, उतना ही आपके फोन की डाटा खत्म होगी। जैसे कि आप जो अगर आप पबजी खेलते हो तो उसकी डाटा खत्म होगी, बैकग्राउंड में जो एप्लीकेशन चलती है उसका कुछ इफेक्ट आपको मतलब उसका कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर क्लिक करोगे तो बार बार कर देना। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा भी ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जैसे सीपीयू मेमोरी, तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सारी चीजें इसके देख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो करना क्या है, जब इस पे आ गए ना तो यहाँ से आपको इसे ऑन कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसे क्या करना, ऑन कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको क्या कर देना है, यहाँ से आपको डाटा सेवर रिकॉर्ड कर देना है। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हो डाटा सेवर का जो ऑप्शन मिल रहा है ना, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्ले कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो प्ले कर देना है। जैसे आप यहाँ पे अगर प्ले करके रखते हो ना, तो यहाँ पे आप क्या आपको पता चलता है कि मतलब डाटा सेवर यहाँ पे आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको इसको क्लोज यहाँ पे मतलब प्ले कर देना है बस। उसके बाद भी और एक ऑप्शन मिल जाता है, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए क्या है। तो यहाँ पे आप फाइंड वाईफाई, ये तो वाईफाई का आपको देख सकते हो, यहाँ पे आप इसके मदद से क्या कर सकते हो, आप वाईफाई को पता कर सकते हो, आजू बाजू के जो वाईफाई से वगैरह हैं उनको फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, लिस्ट देख लेना है, पहले लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हो और यहाँ पे वगैरह आप उसको सेव भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको सेव भी कर सकते हो। तो यही है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार यूज़ करिए, उसके बाद देखिए आपका डाटा सेव होता है कि नहीं, उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।